Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt anyone, and don't take it seriously. Hey y'all, come look at this. घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, मारपीट होती रहती है। आपको क्या लगता है क्या वजह है इनकी? दारू। अगर आपको पता ही है कि दारू इन सबकी वजह है तो आप पीते ही क्यों दारू? अरे भाई साहब, मैं नहीं पीता, मेरी वाइफ पीती दारू। मैं नहीं मानता। और रुको जरा, सबर करो। चलिए ठीक है, अगर आपकी वाइफ दारू पीती है आप उन्हें प्यार से समझा सकते हैं, मारपीट करने वाली क्या बात है? घर में छोटे बच्चे होंगे, देखते होंगे, अच्छा नहीं लगता होगा। भाई साहब, मैं नहीं पीटता, मेरी वाइफ मुझे पीटती है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ना भाई साहब, इस गाने की गहराई में कतई मत जाना। धोखा, फरेब, छलावा, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। यकीन नहीं होता ना? नहीं होता ना? आओ आपके शक को दूर। पति की डंडे से पिटाई बोल रहा था ना इस गाने की गहराई में ले जाने के लिए, समझे? इसीलिए बोल रहा था। खैर, मुझे तो शादी करनी ही नहीं। चल बोझड़ी के। और यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन यहाँ तो ओवर एंड आउट कर दिया। देखो, चाय मांगने पर पति की हत्या। ओ भाई साहब, अच्छा वो बचपन से चाय नहीं पीता, जाने तो जहान। खैर, दुनिया में आए तो जीना तो पड़ेगा, फिर चाहे चाय को छोड़ना या फिर। भाई साहब, पतियों को देवता कहने वाली ही पत्नियां, पतियों को बोलने का मौका तो बिल्कुल भी नहीं देती, चाहे अगली के दिन में कितने अरमान क्यों ना हो, सबके सब आंसुओं में ही बहेंगे। इससे बढ़िया होगा कि आप इन बड़े भाई साहब का तरीका अपना लो, शायद जिंदा तो रहोगे। पत्नी की बकबक से तंग पति 62 साल तक गूंगा बहरा होने का नाटक करता रहा। आदमी हम क्या करें? खैर, इन्हें तो नाटक के पैसे मिले होंगे, हम बढ़ते अपने अगले हेडलाइंस की ओर। तो बेचारे पति, गरीब पति, लखपति, जो भी टाइटल आप देना चाहोगे, ये बेचारे प्यार के अलावा और कर भी क्या सकते हैं जिस हिसाब से ये आतंक बजा रहे। लेकिन कुछ देवियों को वहां भी प्रॉब्लम है। देखिए, पति के बे इंतहा प्यार से उबी पत्नी ने मांगा तलाक, कहा कभी झगड़ते ही नहीं। एक बात तो कंफर्म है भाई साहब कि इन पत्नियों की ना खाना नहीं बचता है इनका विदाउट झगड़ा, इसलिए तो अर्ज किया है। कर दूं इरशाद तो बोलो यार, अर्ज किया है, जो कुंवारे हैं वो जीलो, जो कुंवारे हैं वो जीलो, और जिनका गौना ओलिया वो छेलो। लेकिन जब छेलने की हद खत्म हो जाती है ना, तो फिर इन पत्नियों को ना ऐसी धड़क चढ़ जाती है कि वो ऐसे काम करने लगते हैं। देखो, सास को ही ले भागा दामाद, भोसड़ी वालों को जिंदा पकड़ना है। लेकिन इसमें भी इन पत्नियों का कोई खास दोष होता नहीं है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, यानी के पत्नी थी, तो फिर क्या हो गया। दामाद से दिल लगा बैठी सास, कोर्ट मैरिज करके लौटी घर तो बेटी हुई बेहोश। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? वाह आंटी वाह, कम से कम अपनी लड़की का तो ख्याल किया होता, वो कितना खून पिएगी अब। खैर, हमें क्या, प्यार का मामला है, हम बढ़ते अपनी अगली हेडलाइन की ओर। पति को समोसा लेने भेज, दुल्हन प्रेमी संग भागी। ए, उठा ले रे देवा, उठा। बताओ भैया, समोसा लेने गए, इधर कोई बैंक की लूट के भाग लिया। खैर, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि लेकिन समोसा को कौन खा रहा है, भैया लेके आए। ये समोसे की पड़ रही है, उसकी बीवी भागी। बीवी भागी? खैर, भागी तो भागी, वैसे भी वो जो इसको लेके भागा है ना, मैं भाई की वजह से कभी भी खुश नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूँ, जरा आप इसे देखो। पिटने वाले पतियों में भोपाल दूसरे नंबर पर, शहर में लगभग हर दूसरे दिन होती है एक पति की पिटाई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बताओ, ये आलम है, ऊपर से भाई की बदबू। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, वो जो छोरा उसे लेके भगाए ना,
कभी सुखी ना रहेगा। हो सकता है उसे भी ये कदम ना उठाना पड़े। पत्नियों से परेशान पति बन रहे हैं सन्यासी। जिंदगी एक जंग है, जब तक बीवी संग है। लेकिन जरा देखिए नंगल, ये है असली खतरों के खिलाड़ी। सूरत में अनोखी घटना, बेटे की शादी से पहले ही पिता समधन को लेकर भागा, शादी टूटी। कुआरों को वैसे ही लॉकडाउन की वजह से 2 साल से शादी के लाने पड़े। ऊपर से आप अपने बेटे की फीलिंग्स के साथ खेल गए, ऐसा कैसे चलेगा अंकल। एनीवे, हम बढ़ते हैं अपनी अगली हेडलाइंस की ओर, और इसके बाद वीडियो को करते हैं खत्म। तो हमारी अगली हेडलाइंस है ये। तो भाइयों, कभी आपने सपना देखा है? अगर सपना देखा भी होगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं देखा होगा। ये जो सपना है, ये भूत प्रेत वाले सपनों से भी काफी डरावना है भाई साहब। ये सपना अब देखो यार। 7 माह से पति था बाहर, इधर पत्नी हो गई गर्भवती, बोली सपने में आते थे पति। मतलब तुम करो तो लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। हमने तो कभी ना किया किसी को सपने में जाके प्रेग्नेंट। हाँ, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो भाइयों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को कर दो लाइक, और हमारे चैनल पर नए हो तो करो सब्सक्राइब और भी ऐसी मजेदार वीडियो के लिए। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।